थर्ड कॉज ऑफ स्ट्रेस अगर हम देखें तो वो है अक्यूमुलेशन ऑफ मेमोरीज, यादें इकट्ठे करने की आदत। ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और ये जो स्ट्रेस है ना बड़ा ही यूनिक स्ट्रेस है। आप कई बार क्या करते हैं, प्रेजेंट में जीने की बजाय यादों में जीते हैं, मेमोरीज में जीते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट गए, आपने जो आज खाना खाया वो अच्छा है या बुरा है ये फर्क नहीं पड़ता, आप जब उस रेस्टोरेंट में पिछली बार आए थे तब क्या हुआ था, तब का खाना कैसा था, वो जो मेमोरीज हैं, वो जो यादें हैं, वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए आप लाइफ में जब भी कोई काम करते हैं, आप कोई भी काम नया नहीं कर रहे, आप कोई भी काम अभी में रह के नहीं कर रहे, आप हर काम में जो पिछली बार आपने वो काम किया था, जो पिछली मेमोरी है आपकी उस काम की, आप उसको बीट करने के लिए काम कर रहे हैं। आप लगातार इसी स्ट्रेस में हैं कि जो अभी हो रहा है वो पहले से बेहतर हो। आप केवल और केवल जो पुरानी मेमोरीज, पुरानी यादें हैं, उनको जो आपने इकट्ठा करके रखा है, होल्ड करके रखा है, वो आपको स्ट्रेस दे रही है। सो डू नॉट होल्ड मेमोरीज, केवल फ्लैशबैक में मत जिए। जो काम अभी कर रहे हैं उसको आप पास्ट वाली जो मेमोरी है उससे कंपेयर मत करिए, आपका स्ट्रेस काफी हद तक वैसे ही कम हो जाए।